हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो उसे हम क्या कह देंगे, हाइड्रोकार्बन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सर फर्क पड़ेगा। हाँ अब आता है सेकेंड रूल आपका, लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी कि हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का यूनिट नंबर 9, दैट इज व्हाट, हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर की सीरीज में हम देखने वाले हैं एल्केन, एल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका नोमेनक्लेचर, इनका स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, किसके साथ ही रिएक्ट करते, कौन के साथ नहीं करते, और इनके यूजेस, ठीक है। और इससे भी पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है और क्यों हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्यों इसे लाया गया, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन में, वो भी एल्केन देखेंगे, एल्केन में भी देखने वाले हैं इसका नोमेनक्लेचर और इसके क्वेश्चंस जो पूछे ही जाते हैं आपके स्कूल के एग्जाम और एनसीईआरटी वगैरह में भी जो अवेलेबल है। देन इसके बाद आइसोमेरिज्म, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो यार इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, यहां से आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दिख रहा होगा कि इस ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज व्हाट, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसका यह मतलब हुआ ऐसे वो कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बना हो उसे हम क्या कह देंगे, हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला डाउट, क्या सर हाइड्रोजन और कार्बन वाले ही कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे? नहीं सर, हाइड्रोजन और कार्बन उसमें रहेगा प्लस उसमें कुछ और भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, वो सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है सर। सर दूसरा डाउट या दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां पे आएगा कि सर यही चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं और यही चैप्टर हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया है। ऐसी कोई भी चीज जिसका हमारे डे टू डे लाइफ में यूजेज होता है उसे हम पढ़ते हैं ताकि हम वो चीजें समझ सकें। तो सबसे पहले इसका ये है जो जिसकी वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं, वो है इसके यूजेस, क्योंकि ये बहुत जगह यूज किया जाता है हमारे डेली लाइफ में। सबसे पहला आपका क्या हो गया, सारे जो नेचुरल गैस है, जो आपका कोल है जिससे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, देन आपका है एलपीजी, सीएनजी, सीएनजी कौन सी, जो आपकी दिल्ली के कैब ड्राइवर्स यूज करते हैं, वो यहाँ से और सब बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है सीएनजी का, ठीक है। देन आपका क्या हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसे हम निकालते हैं, पेट्रोल डीजल वो सारे उसमें यूज होता है। सर यही है क्या, ऑटोमोबाइल्स में यूजेस है? नहीं, बहुत सारे। देन आपका है यूजेज, हाइड्रोकार्बन्स को यूज किया जाता है पॉलिस्टर, पॉलिथीन बनाने में, ठीक है। देन आपका हाइड्रोकार्बन्स यूज होता है ड्रग्स बनाने में। सर संजू वाले ड्रग्स नहीं, वो वाले ड्रग्स नहीं जो मेडिसिनल यूज होता है, वो ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारे इसके क्या यूजेस हैं, तो क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंडर भी आ जाता है आपके पास क्या, अलग अलग आ जाता है। सबसे पहले अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं इसमें, अनसैचुरेटेड, देन है आपके पास सैचुरेटेड, पहले लिखना था। वैसे एसाइक्लिक, एरोमेटिक, वो सब मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसका वीडियो आप देख सकते हो जो पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, नहीं तो अब यहां से आगे बढ़ते। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या हो जाता है, वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम क्या कह देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा या तो वो डबल रहेगा या तो वो ट्रिपल रहेगा, यहां पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड था तो उसे हम कह देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सिंगल रहता है तो हम उसे कह देते हैं एल्केन्स, डबल रहता है तो उसे ही कह देते हैं हम एल्कीन्स, और ट्रिपल रहता है तो अल्काइन। सर ये कुछ याद आ रहा है, हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था और साथ में अभी भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पढ़ाया है, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपके पास रहेगा एल्केन्स। तो चलो अब बात करते हैं एल्केन्स की। यहां तक कोई डाउट है क्या, हाइड्रोकार्बन समझ में आया, ठीक है। तो चलो अब एल्केन्स की बात करेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। टॉपिक लिखते हैं हम एल्केन्स, ठीक है सर। अब एल्केन्स की जो सबसे पहली बात है, इसे हम पैराफिन्स भी कहते हैं। सर क्या कहते हैं, सर पैराफिन्स। सर क्यों कहते हैं, सर पैरा मतलब यहां पे हो जाता है लिटिल और एफेंस या फिन्स हो जाता है एफिनिटी। सर इन दोनों ही मतलब नहीं समझ में, लिटिल मतलब कम, एफिनिटी मतलब चाहत, या इसे पैराफिन्स इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ दी ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ अनरिएक्टिविटी। आई गेस माइक उतर गया लेकिन फिर भी आवाज आ रही होगी, सॉरी कट। चलो छोड़ते हैं इसे।
अब यहां पे इसकी एफिनिटी यानी कि पैराफेंस हो गया, हाँ एफिन कहां पे थे हम, एफिनिटी पे, यानी कि इसकी चाहत किसी की तरफ रिएक्ट करने की, तो इसकी अनरिएक्टिव नेचर की वजह से, अनरिएक्टिव नेचर की वजह से इसे पैराफेंस भी कहा जाता है। सर अनरिएक्टिव किसकी तरफ, सर अनरिएक्टिव रिएजेंट्स की तरफ। कौन से रिएजेंट्स हो गए सर, एसिड हो गया, बेस हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इनमें से कोई भी, ये जल्दी से उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। अनरिएक्टिव मतलब, या लिटिल रिएक्टिव लिख दूंगा, अन की जगह मैं इसे कर देता हूं लिटिल रिएक्टिव, ठीक है, कम है, बहुत कम है। लेकिन हाई टेम्परेचर यानी कि ड्रास्टिक कंडीशंस में, हाई टेम्परेचर या प्रेशर पे ये रिएक्ट करता है, इजिली रिएक्ट नहीं करता, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा सर, इसका होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, CnH2n+2 हमने पढ़ा हुआ है, होमोलोगस सीरीज यानी कि सेम दिखने वाले। तो सबसे पहले n की वैल्यू अगर हम 1 डाल देते हैं तो ये बन जाता है C1H4, अगर n की वैल्यू 2 डाल देंगे तो सर C2H6, ठीक है, n की वैल्यू 3 डाल देंगे तो सर C3, यहां पे 3 डाली 6 8, C3H8, n=4 ऐसे, सो और हम चलते जाएंगे C4H10, ठीक है, n=5 या इसकी होमोलोगस सीरीज बन गई C5H12, n=6 हो जाएगा C6H14, समझ में आया। अच्छा इसे क्या बोलते हैं सर, सिंगल बॉन्ड है और सिंगल कार्बन की चेन होती है, वैसे ही हमें पता है सर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, मेरे से भी कंफ्यूजन हो रहा है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सर ये तो हमें पता है, ये क्यों ही बता रहे हो, पूरा चीज पढ़ेंगे इसलिए। इसके बाद हेक्सेन 7 वाले को हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, ट्राइडेक, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, सॉरी डोडेक देन ट्राइडेक, 11, 12 को, समझ में आया ये सीरीज, समझ में आई। अब आगे बात करेंगे एल्केन्स में, नेक्स्ट जो टॉपिक है यही बता देता हूं क्या इसका स्ट्रक्चर, ये दिखता कैसे है सर। सर अगर मैं CH4 की बात करूं या मीथेन की बात करूं तो कार्बन अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा रहेगा सर, इसमें सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेंगे। और अच्छे से अगर बताऊं वेस्पर थ्योरी के हिसाब से, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी, तो ये कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है और ये कुछ ऐसा दिखता है जिसमें क्या होता है, जो कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का 1s जो ऑर्बिटल है वो दोनों हेड ऑन हैंड वो बनाते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ये यहां पे सिग्मा बॉन्ड या फिर सिंपल भाषा में सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता है सारे हाइड्रोजन के साथ, और ये कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है सर। बुक में NCERT के बुक में इसके एंगल्स दिए हुए हैं 109 डिग्री कुछ, और उसके बाद इसकी लेंथ दी हुई है सर, वो पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाता, एक बार डिग्री देख लेना, बाकी लेंथ और वो सब नहीं पूछा जाता है, तो वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई क्या, वो कहीं काम भी नहीं आता है, ठीक। स्ट्रक्चर की बात हो गई, ये बात हो गई, अब बात करेंगे बहुत ही मजेदार टॉपिक इस चैप्टर का, जो मुझे तो बहुत ही पसंद है, यहां से बात मजेदार चीजें चालू होती हैं, जो क्या रहेगा आपके पास, पहला रहेगा, अब चालू कर रहे हैं हम नोमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ द एल्केन कंपाउंड या नोमेनक्लेचर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको नोमेनक्लेचर आता है, नहीं आता है या थोड़ा बहुत भी आता है, ये वीडियो या यहां इस लेक्चर को अगर आप देखोगे ना, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं नोमेनक्लेचर कहीं से भी दे आपको बनेगा, ठीक है। मैंने पहले भी नोमेनक्लेचर पढ़ाया, उसकी वीडियो पढ़े हैं, एल्केन्स के लिए दोबारा बताऊंगा एक एक चीज, रूल्स वगैरह एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा लेकिन ओवरव्यू आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। कि कोई भी डाउट है सर ऐसा ही क्यों लिखना है, ऐसे ही क्यों सिलेक्ट हुआ सर, यही क्यों नाम है सर, दूसरी बुक में तो दूसरा नाम दिया है, पूरे के पूरे डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो नोमेनक्लेचर में मैं पहले भी बना चुका हूं वीडियो कि कैसे रूल्स हैं उसके, क्या नेमिंग के रूल्स हैं, वो आपको वीडियो यहां पे मिल जाएगा, अगर देखना हो तो देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं, वो नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, एक ओवरव्यू फटाफट बता दूंगा, ठीक सर बातें कर रहे हो आप, आगे बताओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, CH3CH2CH3, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। नोमेनक्लेचर में तीन चीजें होती हैं, सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड होता है नंबरिंग, थर्ड होता है नेमिंग। एक एक स्टेप जिसको आता है वो डायरेक्टली भी बना सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आसानी हो।
सब इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली ये दिख रही है, ये वाली हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है सर। अब करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग का एक रूल होता है, पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग जहां से यहां कहीं से भी नंबरिंग करो सेम है, 1 2 3 या 1 2 3, कोई इशू नहीं रहेगा। अब सिंपल नाम क्या होता है, सिंगल चेन कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है, 3 सर, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप सर, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप ए, ठीक है। ये तो सर एकदम सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 करते हैं इसको, 1 2 करते हैं और इसको करते हैं 1, ठीक है सर। अब सर लॉन्गेस्ट चेन वाला कौन सा होगा, सर मुझे तो सर ये दिख रहा है, सर आपको भी ये दिख रहा है क्या सर, लॉन्गेस्ट चेन यही हुआ ना सर, सीधी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, स्ट्रेट चेन जरूरी नहीं है, स्ट्रेट मतलब ऐसे ऐसे मुंडी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देखो तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं, यहां पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सर मेरे को कुछ और दिख रहा है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया, लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए, समझ में आया। तो ये हो जाएगा सर ऐसे, ठीक है, कोई डाउट यहां तक नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। तो सर ऐसे नहीं हो सकता क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं होता है, वो फिर स्ट्रेट नहीं रही ना, वो यहां पे आके ऐसे हो गई, मतलब वो भी आ गया, ऐसा पार्ट नहीं होता है, स्ट्रेट चेन ऐसा 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 कैसा भी जा सकता है, ठीक है सर। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, वो भी एक बड़ा डाउट है, काम करते हैं इसको यहां लेते हैं क्योंकि ये सिंपल नंबरिंग हो जाएगी सर। अब नेक्स्ट पार्ट है सर नंबरिंग, आपने बोला था हाँ सर, एच नहीं दिख रहा है सर, CH3 CH2 CH3, वो कहां गया, मैंने बस वो हाइड्रोजन लिखा नहीं है ताकि डायरेक्टली आपको समझ में आ सके, आप लिख लेना ऐसे कुछ नहीं, CH3 CH2 ये सब लिख लेना, ये बस कुछ नहीं, वैलेंसी फिल करने के लिए, तो मैं आपको समझाने के लिए बस वैसे लिखा है, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे सर, देखते हैं यहां से करेंगे क्या सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबरिंग हो गई, और दूसरी सर यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सर फर्क पड़ेगा। हाँ अब आता है सेकेंड रूल आपका, लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी कि जो लोकेंट को जहां से जो, या दूसरा होता है कि सम ऑफ द लोएस्ट लोकेंट, सम ऑफ दी ब्रांच शुड बी लोएस्ट, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, इसका यह मतलब होता है कि जब हम दो ब्रांचेज लगे, देखो स्ट्रेट चेन में तो कोई इशू नहीं था, बट जब ब्रांचेज लग जाती हैं किसमें सर, स्ट्रेट चेन में, तो उसके ऊपर जो नंबर आता है वो उसका एडिशन छोटा होना चाहिए, या फिर वो जो एडिशन है वो बस वही, मतलब जो एडिशन है वो छोटा होना चाहिए। सर कैसे, यहां पर देखो 1 2, इस ब्रांच पे क्या है, सेकेंड है, फिर 3 4 5 6 है, तो 2 + 6 कितना हो रहा है सर, 8 हो रहा है सर, यहां से कर रहा हूं तो 1 2 3 पे आ रही है ब्रांच, और ये 7 पे आ रही है, तो 3 + 7 कितना हो जा रहा है, 10, तो सर नीचे वाला नहीं लूंगा, समझ में आया क्या। एक बार और सर, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ दी ब्रांचेस शुड बी लेस, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, आपकी बुक में कुछ और दिया होगा, लेकिन बात यही है कि सम ऑफ दी लोअर, जो भी सम होगा नंबरिंग का ब्रांच पे, वो लोएस्ट होना चाहिए, यहां से आ रही थी 2 + 6 8, यहां से आ रही थी 3 + 7 10, तो मैं क्या किया, 10 वाला सेलेक्ट किया। अब कुछ नहीं करना है, लास्ट में आपको पता है नेमिंग करनी होती है, नेमिंग क्या है, सिंपल है, पहले ब्रांच का, अच्छा इसमें रूल्स समझते जाना, पहले ब्रांच का आता है, उसके बाद अल्फाबेटिकली, और उसके बाद मेन चेन का आता है। ब्रांच में क्या लगा है, 2 और 6 पे लगी है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगा है सिंगल सिंगल, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2, 3 डायमिथाइल, 1 2 3 4 5 6 7, 8 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो 8, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दो क्वेश्चन समझ में आ गए, आगे की बात करेंगे, कहीं पे भी डाउट होगा बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे कि कहां डाउट है, बिल्कुल क्लियर करेंगे अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड पढ़ते हैं क्या हो जाएगा, आपको CH3 वाला समझ में आता है तो अपन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, CH2 CH2 3 4 5 6 की पकड़ लेते हैं, CH2 CH3, यहां पे करते हैं CH2 CH3, ठीक है, यहां पे हो गया CH CH CH3 CH3,
ठीक है सर, अब आगे कौन सा रूल बताएंगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। सर कौन सी होगी लॉन्गेस्ट चेन? सर इसको थोड़ा सा और ढंग से बनाते हैं, नहीं तो लॉन्गेस्ट चेन गड़बड़ा जाएगी मेरी। CH2 कर देते हैं और CH3 कर देते हैं। ठीक है सर, अब लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से मुझे सर ये दिख रही है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सर ये भी है, और तो कोई नहीं दिख रही ना। एक काम करते हैं, एक ये भी लगा लेते हैं, थोड़ा और अच्छा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा दिखने में। ठीक है, तो अब कहाँ से सर? यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। सर दिखाओ, नहीं दिख रही है। ठीक है सर, मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन मुझे ये वाली दिख रही है सर। सर ये लॉन्गेस्ट चेन है सर, ये नहीं कर सकता क्या मैं ऐसे करके? नहीं कर सकता, कर सकते हो बिल्कुल सही है, ऐसे करके भी कर सकते हो, ऐसे कर भी कर सकते हो, आपके हिसाब से जैसा आपको सही लगे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होने चाहिए लॉन्गेस्ट चेन, बस वो ध्यान रखो। कैसे भी सिलेक्ट करो, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है, ठीक है ना, और ऐसे भी सही है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग में क्या बताया था? सम ऑफ द लोएस्ट लोकेंट रूल। सर कहां से होगा? सर यहां से करूंगा तो 2 पे आएगी 3 पे आएगी, और एक बार लिख दो सर क्या क्या आएगा। अगर यहां से इस साइड से करूंगा तो 1 2 पे आएगी 3 पे आएगी 4 5 पे आएगी, तो 2 3 और 5 पे आ रही है, तो 2 3 5, और उधर से करूंगा तो 1 2 3 पे आ रही है सर, 4 5 पे आ रही है सर, और 6 पे आ रही है सर। तो सर ऊपर वाला सही दिख रहा है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे। क्यों सर? क्योंकि इसमें ऐड करेंगे तो लो नंबर आएगा, इसमें ज्यादा नंबर है। ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सर, नेक्स्ट जी क्या हो गया? अब नेक्स्ट रूल आता है कि जब भी हम ब्रांच की नेमिंग करेंगे तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सेकेंड रूल हमें समझ में आ गया। थर्ड रूल क्या है? कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना होता है जी। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन के दो तरीके से नेम होते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए जिनको नहीं आता है या जिनको डाउट है। बुक में इसका एक, बुक में इसका एक आंसर दिया है, कुछ बुक में दूसरा आंसर दिया है, तो सर कौन सा सही है? किसी में दोनों दिए रहते हैं सर, दोनों सही होते हैं, लेकिन वो दोनों नाम कैसे करना है वो तो बताओ। ठीक है सर, पहला नाम जो आइसोटर्ट वगैरह उसमें रहता है, तो ये है 2 पे लगा है सर मिथाइल, 3 पे लगा है, इस चीज को बोलते हैं 3 कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपाइल, और इस जिसमें दोनों कार्बन अटैच होते हैं और एक ओपन चेन होती है उसे हम बोलते हैं आइसो। ठीक है, आइसो प्रोपाइल बोलते हैं, ये पता है आपको। और 5 में लगा इथाइल। सर पहले आना चाहिए इथाइल, फिर मिथाइल, इथाइल पहले आना चाहिए, तो यहां पे हो गया सर 5 इथाइल, ई पहले आता है इसलिए अल्फाबेटिकली, देन आ गया आपके पास 2 मिथाइल, 5 इथाइल 2 मिथाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल 7 की चेन है तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो ए। समझ में आया? 5 इथाइल 2 मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। सर ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा क्या होता है सर? आप दूसरा बोल रहे थे, दूसरे में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ब्रांच, मैंने पहले भी बता चुका है, फिर से बताता हूं। तो किसी भी एक, फिर इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, ये एक मेन ब्रांच है, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है भाई, तो ये हो गया 1 1 और 2 अगेन इसमें। अब नेमिंग देखो क्या होगी, अब होगी सर 1 पे लगा है मिथाइल, पहले ब्रांच ये छोटी ब्रांच का लो 1 मिथाइल, इसको लो ब्रैकेट में, और ये कौन सी है, ये किस पे लगा है? 3 पे लगा है, ये क्या है, ये 2 कार्बन की चेन, तो इथाइल नहीं आया सर। कोई नहीं, पहले कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग की मैंने, इसमें क्या लिया 3 पे है ये 3 पे है, तो मैंने लिखा 3 ब्रैकेट में, इसकी भी एक ब्रांच है ना, तो इस पे लिखा 1 मिथाइल 1 मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज किया, पूरा क्या है इथाइल। अब आगे बढ़ेंगे, 5 पे फिर इथाइल लगा हुआ है, 5 इथाइल, फिर 2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल और हेप्टेन। समझ में आया क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें ये चीज क्लियर हुई। सर कौन सा सही है? सर आपकी शायद NCERT में ये आइसो वाला दिया रहता है और किसी बुक में ये वाला दिया रहता है आई गेस, लेकिन ये दोनों भी सही है, दोनों में से कोई भी लिख के आओगे सही है। अगर IUPAC के हिसाब से तो ये वाला है, अगर कॉमन आइसोटर्ट सिक्वेंस के हिसाब से देखोगे तो ये वाला है, दोनों भी सही है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात? समझ में आया कैसे बनेगा? ठीक है सर, आगे बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
एक इसी टाइप का सर एक क्वेश्चन और बता दो तो मजा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, CH3 CH CH2। अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा CH2। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी दिख रही है। अब एक एक चीज समझेंगे सर, पहले तो मेरे को इसका मतलब बताओ। मैंने बहुत जगह देखा है CH ब्रैकेट में CH3 होल्ड हुई, इसकी पहले देखो कितनी वैलेंसी है। C के पास एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये वाले C को देखो, ये वाले C की एक वैलेंसी नीचे वाले ने कंप्लीट कर दी, ये मैंने ड्रॉ की है ना, नीचे वाले ने कंप्लीट कर दी, एक H ने कर दी, बचे हुए दो। तो जो दो CH3 है वो जो ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब वो दो CH3 यहां पे लगे हुए हैं। समझ में आया? तो ये इसका मतलब है। तो इसको अपन ओपन करके लिखते हैं, क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, आप इसको ओपन करके लिख लेना। तो इसको मैं ओपन लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। अब करते हैं लॉन्ग चेन वाला। तो मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन तो मुझे इसके आगे ना एक और मुझे बनाना पड़ेगा, CH2 CH3। लॉन्गेस्ट चेन मुझे ये वाली दिख रही है सर। इतने सारे चेन का करेंगे ना कि खत्म ही हो जाएगा डाउट सर, बिल्कुल खत्म। इसमें भी अगेन दो टाइप के आंसर आएंगे, देखते हैं सर कैसे बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, नंबरिंग हो गई। नंबरिंग कहां से करें, 1 2 3 यहां से कर रहे हैं, तो 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 6 7 और 8 पे आ रहा है। ये क्या कर दिया मैंने, 7 और दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 पे 4 पे 7 पे और 8 पे आ रहा है। वहां से करते हैं 1 2 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 5 6 पे आ रहा है और 7 पे आ रहा है। ऑब्वियसली नीचे वाला सही है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे इस साइड से। यहां तक कोई डाउट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अब करते हैं एक एक ब्रांच का, पहले लिखते हैं ये कौन सा हो गया सर। 7 पे लगा हुआ है मिथाइल, अलग अलग लिखेंगे और फिर उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर करेंगे। ठीक है, 2 पे लगा है आपका मिथाइल, 7 पे लगा है इथाइल, तो इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली। नेक्स्ट क्या लगा है, 3, ये अभी बताया था आइसोप्रोपाइल है ये। पहले आइसो वाले टर्म्स पे अपन नेमिंग करेंगे, देन उसके बाद जो नेमिंग करेंगे वो अपन करेंगे जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच वाली बना के। ठीक है, तो यहां पे क्या लगा है, 6 पे लगा है आपका 1 2 3 4, इसको बोलते हैं अगेन, ये क्या हो गया सेक, ये वाला जो जिसमें एक साइड तीनों वो फुलफिल्ड है, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं अपन सेक। सेक में कौन सा है, ब्यूटाइल, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका 6 पे लगा है सेक ब्यूटाइल। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा ये 6 6 सेक ब्यूटाइल। सर पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि सेक पहले कैसे आ गया। सेक इज नॉट कंसिडर्ड वाइल राइटिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आया, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो मुझे बताना था कि सेक को नहीं, बी यानी कि ब्यूटाइल जो मेन चेन है उसको कंसिडर किया जाता है। तो सेक ब्यूटाइल, नेक्स्ट आपका आएगा इथाइल, ये हो गया 7 इथाइल,
देन आपका हो गया थ्री पे लगा है आइसोप्रोपाइल अच्छा एक सेकेंड थ्री थ्री पे आइसो अच्छा उससे पहले मीथेन लगा है तो उससे पहले मीथेन आएगा टू मीथेन सिक्स सेक ब्यूटाइल सेवन इथाइल टू मीथेन थ्री आइसोप्रोपाइल और नॉन की नाइन की चेन कोड क्या बोलते हैं नॉन सिंगल बॉन्ड है तो ए समझ में आया सर ये हो गया सिंपल नेमिंग अब जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच की करेंगे तो उसके लिए फिर अपने को क्या बनाना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन तो लॉन्गेस्ट चेन अगेन यहाँ ये बनी वन टू थ्री सर थ्री की क्यों बनी फोर की क्यों नहीं बनी जहां पे जोड़ा है वहां से अपने को देखना है या तो यहां जाएगा या तो यहां जाएगा इसलिए वन टू थ्री यहां पे अगेन बना तो ये बना वन और टू अब करते हैं दोबारा नेमिंग ठीक है अब आ जाएगा सर फिर अगेन ये आ जाएगा सिक्स पे लगा है क्या वन मिथाइल वन पे लगा है मिथाइल सिक्स के और इसको क्या बोलेंगे प्रोपाइल ठीक है अब इस पे जाते हैं ये है सेवन इथाइल वो है टू मिथाइल ये वाला क्या है थ्री पे वन डैश मिथाइल टू कार्बन की चेन है इथाइल देखो थ्री पे लगा है वन पे लगा है मिथाइल और ये टू को बोलते हैं इथाइल और लास्ट में लिख देंगे नो नेम सर कौन सा पहले लिखेंगे वो तो बताया नहीं तो अल्फाबेटिकली आप इसको अरेंज कर लो उससे ये आया ये एक साथ आ गए वन टू थ्री एंड फोर समझ में आया ये आप अल्फाबेटिकली इसको कंसिडर करोगे और उसके हिसाब से आप ये अपना नेमिंग चेन लिखोगे समझ में आया कैसे लिखना है नेमिंग या नोमेनक्लेचर कैसे करना है एल्केन्स का ठीक है इसमें यहां तक मेरे को लगता है आपके चारों में से लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अभी भी कुछ बचे हैं तो नीचे कमेंट कर देना बिल्कुल उस पर वीडियो बन जाएगी अब करते हैं काम करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्जांपल वाले वो कर लेते हैं ठीक है तो ये नोट डाउन कर लो उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं तो चलो यार ये देखते हैं आपके आईयूपीएससी नेम वाले क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल वगैरह में दिए हुए थे ठीक है बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं एक एक करके चलते हैं ठीक है सबसे पहले ये देखेंगे इसमें ना बहुत कंफ्यूजन आता है तो एक एक करके चलेंगे यहां पे क्या है ब्रैकेट लग गया सी तो अपन मैं इस सी को लेता हूं इस ब्रैकेट का मतलब समझाता हूं ये मैंने सी बनाया अब मेरे को बताओ ये सी एच टू इसके साथ जुड़ा हुआ है इसका मतलब है सी एच थ्री तीन बार है तो कहां जुड़ेगा ये समझो सी एच थ्री तीन बार है तो इसका मतलब इसकी कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है चार एक वैलेंसी फुलफिल हो गई ये वाले सी एच टू से तो बाकी कौन फुलफिल करेगा थ्री ये सी एच थ्री तो यहां पे आ जाएगा सी एच थ्री ये आ गया सी एच थ्री और ये आ गया सी एच थ्री ठीक है यहां पे ही बच्चों को डाउट होता है कुछ नहीं करना है मेन जो कार्बन इसको ड्रॉ कर जो ब्रैकेट वाले वो बन जाएंगे ठीक है देन इसकी वैलेंसी फुलफिल हो गई आगे बना सी अब ये सी एच थ्री फिर क्या हो गया अगेन वो सेम चीज हो गई सी एच थ्री और यहां पे भी आ गया क्या सी एच थ्री ठीक है अब क्या करना है अगेन आपका पेन मेरा कहां चला गया सिलेक्शन वाला ये रहा सिलेक्ट करेंगे ये हुआ सर लॉन्गेस्ट चेन मुझे ये दिख रही है ठीक है अब नंबरिंग करेंगे यहां से करो वहां से करो सेम आएगी तो नंबरिंग में आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो ये हो गया क्या टू सर सब सेम दिख रहा है तो सर टू कॉमा फोर कॉमा फोर टेट्रा मिथाइल पांच कार्बन की चेन है सर पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन टू टू यानी कि दो पे दो बार लगा ऐसा एक टू नहीं लिखना है दो बार टू टू फोर फोर एक वन मिथाइल डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल टेट्रा चार बार लगाए तो टेट्रा मिथाइल पेंटेन ठीक है समझ में आया एकदम इजी क्वेश्चन नोट करेंगे नेक्स्ट करेंगे ठीक है ना मिटाते हैं ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व टक सेकेंड बनाएंगे हमारे पास है अगेन समझ में नहीं आ रहा है बीच वाला कार्बन बनाया उसके साथ दो सी एच थ्री जुड़े तो यहां पे जोड़ दिया मैंने दो सी एच थ्री सर वैलेंसी तो चार होती है बाकी कौन फुल सी टू एच फाइव तो यहां पे जोड़ा सी टू एच फाइव को अगेन लिखूंगा तो सी एच थ्री सी एच टू होता है क्या सर सी टू एच फाइव नहीं लिख सकते लिख सकते हैं लेकिन समझाने के लिए मैंने लिखा है ठीक है तो सी टू एच फाइव पता है ना सी एच थ्री सी एच टू दो सी और एच फाइव ठीक है अब करेंगे सर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कौन सी होगी सर मेरे को ये वाली दिख रही है सर लेकिन मेरे को सीधी दिख रही थी वो भी कर सकते हो सेम है कहां से नंबरिंग होगी कहीं से भी करो कोई इशू नहीं है वन टू थ्री फोर क्योंकि एक ही ब्रांच लगी है तो क्या हो गया अब नेमिंग क्या हो सकता है टू मिथाइल हो सकता है या टू इथाइल हो सकता है पहले कौन सा आएगा अल्फाबेटिकली टू इथाइल पता है हमें अल्फाबेटिकली चलते तो टू इथाइल टू मिथाइल
वन टू थ्री फोर क्या होता है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो ए, ठीक है आ गया समझ में, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना, कहीं पे डाउट तो नहीं आ रहा है, जल्दी तो नहीं लग रहा है ना, ठीक है भाई। सेकेंड भी हो गया हमारे पास, आते हैं अपन थर्ड। सबसे पहले पकड़ेंगे मीथेन को, मीथेन में क्या होता है सी। अब सर चारों तरफ लगाए, कैसे पता चला सर, टेट्रा से, तो वन टू थ्री फोर लगाए सर। सर क्या लगाए, टर्ट ब्यूटाइल लगाए, टर्ट ब्यूटाइल सर दिखता ही ऐसा है, ऐसा कुछ करके दिखता है सर, जिसमें चार कार्बन होते हैं, बीच वाले कार्बन में लगा होता है, तो सर बस यही तो बनाना है, ये बन गया सर टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच, एच आएगा क्या, नहीं आएगा, बस ये हर जगह तो यही लगाना है, सी एच थ्री 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 सी एच थ्री। आगे बढ़ेंगे सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है। अब इसमें सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सर मुझे तो ये वाली दिख रही है, नंबरिंग करेंगे कहीं से भी सिलेक्ट करो, ऐसे भी कर सकते हो, सेम आएगा, नंबरिंग करेंगे कहीं से भी सेम आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव। इंटरेस्टिंग है तो ध्यान से देखना, ठीक है। पहला नेमिंग क्या हो जाएगा, टू पे लगे हुए हैं, वन टू थ्री फोर मिथाइल लगे हुए हैं, तो आप क्या लिखोगे सर, टू कॉमा टू कॉमा फोर कॉमा फोर टेट्रा मिथाइल, ठीक है। और थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा थ्री पे क्या लगा हुआ है, डाई टर्ट ब्यूटाइल, ये पहले आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा ब्यूटाइल। अच्छे से लिखता हूं इसको, दोबारा अल्फाबेटिकली लिखूंगा, तो ये आएगा सर थ्री कॉमा थ्री डाई टर्ट ब्यूटाइल, है ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। देन है सर टू कॉमा टू कॉमा फोर कॉमा फोर टेट्रा मिथाइल, और पांच कार्बन की चेन है पेंटेन सर। लेकिन उससे पहले रुको, एक चीज आप पहले बताओ, यहां पे भी टर्शरी लिखा हुआ है, ये भी टर्शरी, ये भी टर्शरी लिखा हुआ है, तो फिर ये आईयूपीएससी नेम कैसे हुआ। ये भी आईयूपीएससी, लेकिन अगर आपको प्रॉपर आईयूपीएससी यानी कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच वाली नेम लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। उसके लिए अंदर पहले ब्रांच वो करना पड़ेगा, तो अपन ले लेते हैं क्या, ये सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसकी नंबरिंग करेंगे वन टू वन टू। अब देखो, अब जो नेमिंग हो जाएगी, पहले इसकी लेंगे तो ये हो जाएगा थ्री पे लगा है, देखो ध्यान से थ्री पे लगा हुआ है, थ्री पे दो बार लगा हुआ है सेम चीज, तो लिखूंगा मैं थ्री कॉमा थ्री बेस, ब्लैक पेन से लिखेंगे थ्री कॉमा थ्री बेस, दिख रहा है ना, थ्री कॉमा थ्री बेस, सिर्फ बेस क्या है ये भी नहीं आया, देखते हैं इसको। वन पे लगाए वन कॉमा वन डाई मिथाइल और इथेन इथाइल, सर कुछ भी नहीं समझ में आया। देखो जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच, कॉम्प्लेक्स ब्रांच मतलब अंदर वन कॉमा टू, देखो अंदर वन कॉमा वन डाई मिथाइल लगा हुआ है, और बाहर भी आपको बताना है कि थ्री कॉमा थ्री यानी कि ये वाले दो लगे हुए हैं, तब आपको बिस ट्रिस ट्राई हो जाता है। यहां पे डाई सिंगल का रहता है, डाई ट्राई टेस्ट होता है, यहां पे बिस वगैरह चलेगा, ठीक है। डबल पे क्या हो जाएगा, बिस हो जाएगा, जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच यानी कि अंदर दो बार आ रहा है और बाहर भी दो बार आ रहा है, तो बाहर आप डाई नहीं लिखोगे, आप लिखोगे थ्री कॉमा थ्री बिस, अंदर का लिखा मैंने वन वन डाई मिथाइल, क्योंकि दो बार है तो ऑब्वियसली बाहर लिख चुके हैं, तो वन वन डाई मिथाइल और बाहर का आ गया इथाइल, समझ में आया। दोबारा चलेंगे थ्री कॉमा थ्री पे सेम चीज लगी है, तो बिस यानी कि सेम चीज लगी है दो बार, उसके अंदर चला मैंने यहां पे ऊपर गया, तो वन वन डाई मिथाइल इथाइल। आगे बढ़ेंगे सेम आ जाएगा टू कॉमा टू कॉमा फोर टेट्रा मिथाइल पेंट इन, समझ में आया। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कोई डाउट वाली बात, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म एल्केन्स में, नोट डाउन करो। अब पढ़ेंगे अपन क्या, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जीओसी में पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी आइसोमेरिज्म जिसमें केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है बट क्या डिफरेंट हो जाता है आपके पास, उसका जो सॉरी केमिकल फॉर्म कंपाउंड फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। सर
वो हमें पता है, ठीक है सर। मीथेन का बनता है, बनेगा क्या? नहीं, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन का केमिकल डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता इनके आइसोमेरिज्म? क्योंकि सर क्या होता है, मीथेन में तो एक ही लगा हुआ है सी, कहाँ इधर उधर करूंगा फिर? क्या सर इथेन में सर सेम है, इधर कर दूंगा तो डिफरेंट हो जाए? क्यों? क्योंकि इसका नेम तो सेम रहेगा ना, तो नहीं होगा। सर प्रोपेन में सर ऐसा कर सकता हूँ ना मैं, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन तो फिर भी यही सिलेक्ट होगी ना, लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से ये नहीं होगा, तो इन तीनों का नहीं होता। सर किसका होता है? सर ब्यूटेन का होगा। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा देखेंगे, बेसिकली नेम डिफरेंट आना चाहिए। तो एक ये हो गया, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन या सिंपल ब्यूटेन बोल देंगे। दूसरा देखेंगे, इसमें मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, हो सकता है ना बीच में, तब इसका नेमिंग फटाफट बताओ आप। अब तो नेमिंग पता चल गया, ये करेंगे 1 2 3 क्या हो गया, 2-methyl प्रोपेन, या इसी को बोल देंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है, 2-methyl प्रोपेन या आइसोब्यूटेन। और किसका बनेगा सर, इसको हटाते हैं फिर तो बताऊंगा, सबका बना सकते हो आप वैसे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटेन हो गया, पेंटेन का देखते हैं, पेंटेन का बनेगा क्या? मैं वो नहीं लिख रहा हूं ना, क्या नहीं लिख रहा हूं मैं, वो हाइड्रोजन फुलफिल नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट समझ जाना। इसका क्या हो जाएगा, सिंपल पेंटेन, या इसी को बोलते हैं सर एन पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं तो, ठीक है और क्या बन सर, इसका नाम फटाफट बताओ। 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन है तो 1 2 3 4 ये होगी, 2 पे लगा है क्या, 2-methyl ब्यूटेन, 2-methyl ब्यूटेन। ठीक है, या इसी को बोल देंगे आइसोपेंटेन। नेक्स्ट आपका बन जाएगा एक कार्बन इधर एक कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए ना सब में, सेम नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। अब इसमें सिलेक्ट करो 1 2 3 क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम होता है नियोपेंटेन, और इसको लिख सकते हैं 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। समझ में आया कैसे बन रहा है, कैसे आइसोमेरिज्म हो रहा है इसका इसका इसका? बस कुछ नहीं, स्ट्रक्चर को डिफरेंटली लिखते चलना है और उसकी नेमिंग देती जानी है आपको। और कुछ लग रहा है क्या, और कैसे बन सकता है? कार्बन को मैं इधर कर सकता हूं सर, इधर कर लो सर, अब तो नेम चेंज हो गया सर, 3-methyl हो गया। नहीं, जब करोगे तो फिर नंबरिंग भी तो इधर से करोगे, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है ना सर? एक और का बना के देखते हैं, हेक्सेन का। हेक्सेन का देखते हैं, हेक्सेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 6 1 2 3 4 5 6। सर ये पहला हो गया, दूसरा देखते हैं, नेमिंग लास्ट में कर लेंगे। सर एक काम करते हैं, कार्बन को यहां लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 मेन चेन में, यहां पे एक कार्बन, तो क्या हो जाएगा, सेकंड पे आ गया। अब इसको सर थर्ड पोजीशन पे ले जाता हूं मैं, अलग अलग पोजीशंस है ना, सर फिफ्थ पोजीशन पे ले जाता हूं, नहीं सर फिफ्थ और ये सेम हो जाएगा, क्योंकि नंबर यहां से करोगे तो सेकंड आ जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, लोएस्ट, क्योंकि लोएस्ट लो कंट्रोल, यानी कि लोएस्ट नंबर आना चाहिए ब्रांच पे। सर फिर मेन चेन से एक और हटा देते हैं, 4 बचे, अब सर एक इधर लगा देता हूं। ठीक है सर, फिर 4 में और कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 सर यहां पे लगा देता हूं कार्बन। फिर क्या करो, और छोटा करके देखो, 3 पे करो के देखो, 1 2 सर यही बन गया, तो ये हमारे पास 5 आ जाएंगे। अब इसकी नेमिंग खुद आप करो, एकदम सिंपल है, आसानी से नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, मुझे इसकी नेमिंग बताओ। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है क्या कि नेमिंग बता देता हूं? चलो हेक्सेन, इसका सिंपल हेक्सेन, इसका हो जाएगा सर 2-methyl पेंटेन, सर इसका हो जाएगा 3-methyl पेंटेन। देखो सबके नाम अलग है, तभी ये आइसोमेरिज्म है कि स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि आईयूपीएसी नेमिंग अलग अलग आएगी। यहां पे आ जाएगा 2-3-methyl ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन। यहां पे क्या हो जाएगा 2-2-methyl, वहां पे 2-3-methyl था, यहां पे 2-3, यहां पे 2-2-methyl, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन। तो समझ में आया कि आइसोमेरिज्म कैसे था?
तो यार आई होप आपको यहां तक सब समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोमेरिज्म के बारे में और डीपली पढ़ना है कि हम किसी भी नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कैसे बना सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका वीडियो जस्ट आपको यहां पे दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके जा सकते हो और देख सकते हो। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।